दोस्तों, बॉलीवुड में अब एक्शन फिल्मों की भरमार हो रही है। हम इस वीडियो में बात करेंगे दो एक्शन फिल्मों की। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और वर्सेस सूर्यवंशी की, जहां पर वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ हमें ज़बरदस्त एक्शन करते हुए नज़र आएंगे और ये फिल्म इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। फिल्म को बनाने में 180 करोड़ का बजट लगा है, जबकि अगले साल 27 मार्च को रिलीज़ होगी सूर्यवंशी। अब सूर्यवंशी की तो बात ही निराली है, जहां पर वॉर में दो बड़े एक्शन स्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ हैं, तो वहीं एक्शन के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार और सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी। काफ़ी भयंकर ये क्लैश हम मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फिल्में अपने एक्शन के कारण जाने जा रही है। लेकिन सूर्यवंशी को फ़ायदा इस बात का मिलता है कि उसमें अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार बिना कहानी वाली फिल्मों को पसंद नहीं करते, जबकि हमने देखा है कि ऋतिक और टाइगर से ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब बात एक्शन की होगी तो वॉर को यहां पर ज़्यादा हाइप मिल रही है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर 5 बड़े एक्शन डायरेक्टर विदेश से भी बुलवाए गए हैं। जबकि सूर्यवंशी के अंदर बात करें तो खुद रोहित शेट्टी ही एक्शन को डायरेक्ट कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि अक्षय कुमार खुद सारे एक्शन करने वाले हैं, वो भी अलग ही स्तर पर जाकर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म ज़्यादा बड़ी एक्शन फिल्म होगी? जहां पर वॉर का बजट 180 करोड़ रुपए है, तो वहीं सूर्यवंशी को बनाने में 120 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही है। सूर्यवंशी में हमें अक्षय कुमार के अलावा अजय देवगन और रणवीर सिंह भी नज़र आएंगे। जहां पर वॉर में एक्ट्रेस हमें नज़र आएंगी वानी कपूर, तो सूर्यवंशी में कटरीना कैफ मुख्य एक्ट्रेस के तौर पर हमें नज़र आने वाली है। दोस्तों, आपके हिसाब से बॉलीवुड की कौन सी फिल्म एक्शन की बड़ी होगी, सूर्यवंशी या वॉर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।